देखो यार, स्मूथ सफल और फ्लॉलेस स्किन किसको पसंद नहीं होता है, हम सबको ही पसंद होता है। और ख़ास करके विंटर सीजन में इरिटेट करने वाला और ड्राई स्किन जो होते हैं ना, वो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देते हैं, ये मुझे पता है। और आप भी अगर इसी परेशानी से भुगत रहे हो तो इसके लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा अच्छा एक होम रेमेडी है, जिसको यूज़ करने के बाद आपको जो स्किन होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस बन जाएगा और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सफल बन जाएगा। आप अगर रात को सोने से पहले उस रेमेडी को यूज़ करते हो तो आपका जो स्किन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे और बहुत ही सफल और स्मूथ भी बन जाएंगे। ठीक है, तो आइए फिर उस होम रेमेडी को कैसे बनाते हैं इसका देख लेते हैं। पहले तो आपको एक क्लीन बोल ले लेना होता है, वहाँ पे एक छोटे से चम्मच में आपको एक चम्मच ग्लिसरीन लेना होता है और उसी चम्मच में आपको दो चम्मच रोज वाटर मिक्स करना होता है। ठीक है, और इन दोनों चीज़ों को, मतलब ग्लिसरीन और रोज वाटर को, अब अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए उसी बोल में। थोड़ा सा मिक्स करने से ही हमारा सॉल्यूशन रेडी हो गया। बन गया आपका मिक्सचर, ये रेडी है हमारे स्किन में अप्लाई करने के लिए। एक ही चुटकी में आप अपने स्किन को स्मूथ बना सकते हो इसको अप्लाई करने से। अभी हम ज़्यादा बातें करके टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अभी हम इसको फेस पर अप्लाई करके दिखाते हैं। ठीक है, इसको आपको सिर्फ अपने फिंगर टिप से ही अप्लाई करना होता है। ठीक है, फिंगर टिप की मदद से ऐसे अपनी फेस पर अप्लाई कर लीजिए। इसका यूज़ करने से आपकी स्किन फ्लॉलेस बन जाते हैं और पोल्यूशन, ड्राई, हार्श वेदर कंडीशन की वजह से आपकी स्किन में जो इफेक्ट पड़ते हैं ना, वो भी कम हो जाते हैं। ठीक है, आपकी इरिटेड स्किन पूरी तरीके से रिपेयर हो जाता है और एजिंग की वजह से हमारे स्किन में जो इफेक्ट पड़ते हैं, मतलब ये एंटी एजिंग का भी काम करते हैं। इसका यूज़ करने से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ही हेल्दी बन जाते हैं, लेकिन इसको हर रोज़ आपको यूज़ करना होता है। एक दिन यूज़ करने से आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसको अपने फेस में अप्लाई करने के बाद 10-15 मिनट तक आपको वॉच करना होता है, क्योंकि यार आपने इसको फेस पर अप्लाई किया है तो इसको टाइम तो मिलने चाहिए कि ये आपके फेस के ऊपर काम करे। तो इसके लिए आपको 15 मिनट तो वेट करने ही होंगे। 15 मिनट वेट करने के बाद आपको चाहिए एक कॉटन बॉल, जैसे मैंने ये कॉटन ले लिया है, उसमें पानी ले लिया है और एक कॉटन बॉल ले लिया है। इस कॉटन बॉल को आपको पानी में ऐसे डिप करना होता है, डिप करने के बाद फेस को वाइप आउट कर लेना होता है। मैं ऐसे ही कर रही हूँ। फेस को आपको इस तरीके से, जैसे आप रोज़ वाटर की हेल्प से आपके फेस को वाइप आउट करते हो, वैसे ही आपको वाइप आउट करना है। अभी मैं आपको कॉटन का हाल भी दिखा देती हूँ। इसका हाल बहुत बुरा हो गया। अभी फेस में जो मेरे फेस पर जो डर्ट पोल्यूशन था वो तो रिमूव हो गया है। ठीक है, अभी फेस का जो वाटर था वो भी सोख गया है, फेस के अंदर ही मैंने अब्सॉर्ब कर लिया है। अभी चाहिए हमें रोज़ वाटर। ठीक है, इस ये मैं एक्स्ट्रा से कर रही हूँ, अगर आपको पसंद नहीं तो आप ऐसे ही सो सकते हैं। फेस में आप चाहे तो मॉइस्चराइज भी कर सकते हैं, मॉइस्चराइज करके भी सो सकते हैं। वैसे ग्लिसरीन से ही हमारा फेस मॉइस्चराइज हो गया है, ये हमारे फेस को बहुत ज़्यादा टाइम तक मॉइस्चराइज रखता है। सुबह उठ के आप फिर से फेस को वॉश करके मॉइस्चराइज कर लेना, लेकिन रात को आपको मॉइस्चराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर चाहते हो तो आप मॉइस्चराइज कर सकते हो। ठीक है, और ये ऑप्शनल है। रोज़ वाटर मैं फिर से अपने फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप भी इस होम रेमेडी को घर पर ट्राई करोगे ना, मुझे पता है आप ज़रूर करोगे, क्योंकि फ्लॉलेस और हाइड्रेट स्किन, स्मूथ स्किन सबको चाहिए होता है। तो आप ज़रूर इस होम रेमेडी को फॉलो करिएगा, एक बार आप फॉलो करके देख लीजिएगा। अगर आपको पसंद ना आए तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, आपको इस यूज़ करने के लिए मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, क्योंकि आपका मर्ज़ी है। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट ज़रूर कर सकती हूँ कि आप इस चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले यार, ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें, इतना तो बनता ही है ना। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यार। बाय।